हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास प्लस टू मैथ का आपका टॉपिक प्रोसीड करते हैं हम, जो 3D ज्योमेट्री हमारा यूनिट चल रहा था, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो यहाँ पर नया जो आपके लिए टॉपिक आएगा वो क्या होगा, वो रहेगा आपका फाइंड द एंगल बिटवीन टू lines when their equations are given, when their equations are given, कि कोई भी दो लाइन है उनकी इक्वेशन आपको दी हुई है किसी भी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, उनका कोस जो एंगल है, कोसाइन एंगल, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो गिवन इक्वेशन होगी आपको, वो किस फॉर्म में होंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, पहले आप कर चुके पहली इक्वेशन। दूसरी जो लाइन है और उसकी इक्वेशन आपको किस प्रकार से होगी, ये पहली लाइन की इक्वेशन होगी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा की जगह सिंबल यहाँ यूज हो जाएगा म्यू, क्योंकि ये जो कांस्टेंट फैक्टर है वो दोनों इक्वेशन के लिए सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप ए वन बी वन और इनका ए टू बी टू भी नाम दे सकते हैं, ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सिंबल आपका म्यू। ठीक है, तो ये सिंबल है, क्या होता है कि जैसे कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को जैसे बोलना बोलना जानते हैं, लिखना नहीं पता, उनकी स्पेलिंग कभी भी लिख के नहीं देखी होती, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रखें। लेमडा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, लेमडा प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर्स ये यूज होते हैं यहाँ पर, और ये आपका क्या होता है, म्यू, एम यू, म्यू। ठीक है, थीटा तो याद ही होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको, थीटा। ठीक है, टेंथ क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन उसको लिख के नहीं देखा होता, तो ये थीटा होता है आपका, ये स्पेलिंग उसकी रहती है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है हमने एक में म्यू यूज कर लिया, लैम्डा जो पहले एक इक्वेशन करते ही आए हैं जो उसमें किया था। ठीक है, जब ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो एंगल आपका क्या होगा, कोस थीटा, किस प्रकार से फाइंड करेंगे, जब आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर डाटा दिया हो, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हो, तो क्या रूल रहेगा आपका, बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर, इनकी करवानी है आपको डॉट प्रोडक्ट, अपॉन में बी वन का मोड और बी टू का मोड। ठीक है, ये आपका एंगल रहेगा कोस थीटा के लिए, जहाँ पर बी वन और बी टू क्या है, जो कांस्टेंट फैक्टर के साथ जो लगे हुई इक्वेशंस है वो बी वन बी टू, और उनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड बी वन और बी टू दोनों का। ठीक है, पूरे का मोड हो जाएगा अगर आपको दे रखा हो वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, या फिर हो सकता है डाटा हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें एक्स वन और एक्स टू वो फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रहेगा ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू, और अपॉन में क्या रहेगा, यानी जो उनके अपॉन में जो हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, ए वन बी वन सी वन कर चुके आप, तो उनकी प्रोडक्ट करवानी है, ए वन का मतलब वो पहली इक्वेशन का और ए टू का मतलब वो दूसरी इक्वेशन से आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वन का स्क्वेयर, बी वन का स्क्वेयर, सी वन का स्क्वेयर और पूरे का अंडर रूट। इसी प्रकार इधर हो जाएगा ए टू का स्क्वेयर, बी टू का स्क्वेयर और सी टू का स्क्वेयर, यानी दूसरी इक्वेशन वाले जो थे उन सभी का स्क्वेयर करके और उस पूरे का अंडर रूट, एंगल ऑफ कोस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा जब आपको जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म की दे रखी हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो। ठीक है, अब एक एक प्रॉब्लम इन पे जो आधारित हैं वो सॉल्व करते हैं। आपका ये है प्रॉब्लम नंबर 10, नौवीं प्रॉब्लम तक आप कर चुके, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर भेज दें, ये दोनों फॉर्मूलाज आप नोट कर लेंगे, ये वेक्टर फॉर्म के लिए, ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए।
देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको, प्रॉब्लम नंबर 10 में दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, जो लाइन के पेयर हैं उनके बीच में एंगल फाइंड कीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या पार्ट है दसवें का, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, आर वेक्टर, यानी पहली जो इक्वेशन है वो है आपकी 2i माइनस 5j प्लस के, यानी a जो वेक्टर है वो ये दे रखा है, प्लस लेमडा, b वाला क्या दिया हुआ है आपको, वेक्टर b या b1 बोल सकते हो, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और ये सभी हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपको क्या देता है ये, जिसमें हमारे a2 और b2 रहेंगे, तो a2 तो दे रखा है उसमें 7i माइनस 6k, 7i माइनस 6k और प्लस म्यू। b2 आपको क्या दे रखा है, i प्लस 2j प्लस 2k, और ये सभी क्या हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर हैं। तो ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। हमें एंगल निकालना है वेक्टर फॉर्म, कोस थीटा किस प्रकार से निकाला जाता है, b1 और b2 दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर b1 ये वाला डाटा हो गया b1 और ये वाला डाटा हो गया b2, तो b1 और b2 दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो आप वैक्टर वाले चैप्टर में सीख रहे हैं, ठीक है, टेंथ जो चैप्टर है, तो यहाँ इनकी डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, i के साथ वाला फैक्टर i के साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 और इस i का कोफिशियंट क्या है 1, तो 3 बन जा 3 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 6 टू जा 12 अपॉन में b1 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इस पूरे का अंडर रूट इनटू में b2 का मैग्नीट्यूड, तो b2 का इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये सारा क्या है अंडर रूट, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लिया इनका b1 और b2 का। कैलकुलेट कीजिए, 12 और 4 16 और 3 19 19 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, 36 और 4 40 49, 49 का अंडर रूट 7 इनटू में ये कितना है, 4 4 8 और 1 9 अंडर रूट 9 यानी 3, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 21। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, हमें ओनली थीटा चाहिए, एंगल कितना है, कोस को दूसरी साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 19 अपॉन 21। ये आपका थीटा एंगल आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एंगल निकालना है, कोस इनवर्स 19 अपॉन 21, ये एंगल बनेगा इन दोनों इक्वेशन वाली लाइंस के बीच में। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म, अगर हो सकता है कि जो डाटा है यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया था वो आपको दे रखा हो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और है, वो आप खुद सोल्व करेंगे टेंथ में, इलेवेंथ में आपको दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, इलेवेंथ जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ इक्वेशन है, देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन आपके लिए एक्स माइनस टू अपॉन टू वाई माइनस वन अपॉन फाइव और जेड प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री। ठीक है, एंड और दूसरी इक्वेशन है आपके लिए एक्स प्लस टू अपॉन माइनस वन वाई माइनस फोर अपॉन एट और जेड माइनस फाइव अपॉन फोर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दोनों दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों इक्वेशन वाली लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया हुआ है, पहले कोस थीटा क्या होता है, ए वन ए टू
प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसी प्रकार ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का अंडर रूट एंड मोड ऑफ दिस, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए वन हमने जो पहले कर चुके ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अब पहली इक्वेशन है तो ए वन बी वन सी वन, दूसरी है तो ए टू बी टू सी टू। मल्टीप्लाई किन किन की? ए वन और ए टू की, टू और माइनस वन की। तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास? माइनस टू, फाइव एट जा फोर्टी, प्लस का फोर्टी, और माइनस थ्री और फोर, माइनस का बारह। यहाँ वैल्यू पुट कर दी अपॉन वाले में, ए वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस में माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, पूरे का अंडर रूट। इसी प्रकार इनका वन का स्क्वायर वन, एट का सिक्सटी फोर और फोर का सिक्सटीन, ये सारा हो गया अंडर रूट। वैल्यूज़ क्या बन जाएंगे आपकी? बारह और दो चौदह माइनस के और प्लस के चालीस, तो ये बन गया आपका ट्वेंटी सिक्स। अपॉन में ये हो गया आपका पच्चीस और चार उनतीस और नौ थर्टी एट, अंडर रूट थर्टी एट। इंटू में चौंसठ और सोलह अस्सी और इक्यासी, एट्टी वन का अंडर रूट क्या होता है? नाइन। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास? ट्वेंटी सिक्स अपॉन में नाइन अंडर रूट थर्टी एट। कोस थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा क्या आ जाएगा? कोस उस साइड लेके जाएंगे, कोस इनवर्स ट्वेंटी सिक्स अपॉन नाइन रूट थर्टी एट। ये आपका क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका इलेवेंथ सम था, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो ये बच्चों आपका मेथड था कि अगर कोई भी दो लाइन दे रखी हैं उनके बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, वो एक दूसरे के साथ कितना स्लोप बना रही है, तो वो आपको फाइंड आउट करना था। वेक्टर फॉर्म के लिए पिछली प्रॉब्लम, ये जब कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो, तो इनसे रिलेटेड और जो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी के मैथ में, वो भी आप सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड।